हेलो फ्रेंड्स, मैं जिया स्वागत करता हूँ सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में, चैनल जो टोटली डेडिकेटेड है ऑन क्रिप्टो करेंसी मार्केट न्यूज़। इसके साथ ही हम अब स्टॉक मार्केट की भी एनालिसिस करेंगे, साथ में फॉरेक्स की भी करेंगे और कुछ इंडिकेटर्स है वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा किस तरह से उसको यूज़ करना है, चाहे आप बिटमैक्स पर ट्रेडिंग करते हो, बिटफिनिक्स पर ट्रेडिंग करते हो या बाइनेंस पर ट्रेडिंग करते हो या किसी भी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अगर आप देखना चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, तो उसके अंदर ये इंडिकेटर्स आप लोग को बहुत मदद करते हैं। इंडिकेटर्स एग्जैक्टली क्या होता है? बहुत सारे लोग थोड़ा सा इंडिकेटर्स के बारे में अलग सोचते हैं कि उनको ये लगता है कि इंडिकेटर्स कुछ जादू की छड़ी है या कुछ एक क्रिस्टल बॉल है जो हमें कह देगी कि यहाँ से बाय कर लो और यहाँ से सेल कर लो। तो मैं आपको क्लियर कट ये बोलना चाहता हूँ कि ये इस तरह सी चीज़ नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि इंडिकेटर जो रहता है वो आपका एक हैंडी टूल होता है। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, रात का वक्त है और आपको किसी एक्स वाई जेड रोड से गुजर के जाना है और जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं एक व्यक्ति आपको मिलता है, वो आपको बताता है कि भाई वो जो रास्ता है वहाँ पे काम चल रहा है, लाइट्स नहीं है, खड्डे वगैरह बहुत हैं उस रास्ते पे, तो ध्यान से चलना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या हुआ कि एक स्टार्टिंग में एक मदद मिल गई कि हाँ भाई किसी ने मुझे बता दिया कि वो रास्ता सही नहीं है, मुझे थोड़ा संभल के जाना है। आप थोड़े दूर और आप पहुँचे, तब वहाँ पर क्या हुआ, आपको किसी और ने कहा कि भाई जैसे ही आप रोड पर एंटर करोगे तभी लेफ़्ट साइड पर कुछ खड्डे आएंगे और फिर उसके आगे तक रास्ता साफ़ है, फिर बाद में राइट साइड में खड्डे हैं। तो इससे क्या हुआ, आप एक और आपको आइडिया मिल गया कि हाँ ठीक है अब मुझे इस तरह से जाना है। फिर आप जब एकदम पास पहुँचे रास्ते के, तब वहाँ पे कोई व्यक्ति वहाँ पे खड़ा है जो टॉर्च लेके खड़ा है और बोल रहा है कि चलिए मैं आपको पूरा रास्ता आगे दिखाता हूँ। तो इंडिकेटर्स भी इसी तरह से होते हैं, वो हमारी जो ट्रेडिंग होती है उसमें जो रुकावटें होती हैं या क्या हो सकता नहीं हो सकता उसको फिल्टर करते रहते हैं। तो जितने आप इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे वो इंडिकेटर्स क्या करेंगे कि आपको फ़िल्टर कर करके बताएंगे कि यहाँ से मूवमेंट कहाँ जा सकता है, बाइंग प्रेशर क्या है, सेलिंग प्रेशर क्या है, मार्केट की न्यूज़ कितनी इम्पैक्ट कर रही है। ये सारी चीज़ें करके आपको 80-90% एक अच्छा खासा एजम्पशन दे देता है कि मार्केट को यहाँ से बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए। तो जहाँ तक मैं बात करता हूँ जेड स्पेशल इंडिकेटर की, तो ये जो है एक लेटेस्ट वर्जन है, वर्जन नंबर 2 है, यानी कि इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें अपडेट की हैं एज़ पर योर ऑल रिक्वायरमेंट। मतलब कि आप में से जो लोग ने कहा कि इसमें कुछ ऐसा सा चेंजेस करना चाहिए या कुछ ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो उन सारी चीज़ों को इसके अंदर इम्प्रूव किया गया है और भी चीज़ें बहुत आसान कर दिया गया है ताकि जो एजम्पशंस निकल के आते हैं, जो बाय और सेल का सिग्नल निकल के आता है, वो 90-95% काफ़ी अच्छी खासी एक्यूरेसी देगी और उसको आप पकड़ के चलते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है इस मार्केट के अंदर और बहुत सारे लोगों को इसके अंदर फ़ायदा भी हो रहा है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू का जो प्लेटफॉर्म है, इंटरफेस है, उसमें कौन कौन सी सेटिंग्स को करना है, उसके बाद इस इंडिकेटर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिन पर आपको नज़र डालना है, उन चीज़ों का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद इस जेड स्पेशल के साथ एक और इंडिकेटर जो है बिटमैक्स स्पेशल करके है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसको क्लब करके किस तरह से हमें यूज़ करना है। जैसे मैंने कहा कि जितनी ज़्यादा फिल्टर करेंगे उतनी ज़्यादा और अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी, वो सारी चीज़ें आप लोग को इसके अंदर बताऊंगा। अलर्ट्स कैसे सेट करने हैं वो आप लोग को बताऊंगा, कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था बहुत सारे लोगों का कि टाइम फ्रेम कौन सा सेट करना है, मतलब कि 1 मिनट में देखना है, 5 मिनट में, 10 मिनट में या 15 मिनट में, डे का जो ट्रेंड रहता है। ठीक है, जैसे सपोज़ कीजिए कि आज अर्ली आवर्स में मेरे ख्याल से मॉर्निंग 3 o'clock के आसपास मार्केट में फॉल आया था, तो उस हिसाब से कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए था, उस हिसाब से हमें देखना चाहिए था 4 आवर का। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहता है, कौन कौन से सिनेरियोस में किस किस चीज़ को यूज़ करना है। इसके साथ हम बात करेंगे स्टॉप लॉस क्या है, उसको किस तरह से सेट करना है, कितनी लेवरेज होती है तो उस पर कितना स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और अगर ज़्यादा लेवरेज है तो उस पर स्टॉप लॉस क्या रखनी चाहिए, कम लेवरेज है तो उस पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, वो भी हम इसके अंदर आप बताएंगे पूरी बातें। उसके साथ लिक्विडेशन की बातें हैं, लिक्विडेशन की एक अलग से वीडियो होगी और जो लोग लिक्विडेशन सीखना चाहते हैं वो मुझे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, क्योंकि लिक्विडेशन मैं इसके अंदर नहीं बता सकता क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली ऑन जेड स्पेशल वर्जन 2 है, तो इसके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि A to Z चीज़ें आप लोग को पूरी बता दूँ ताकि कोई भी छोटा मोटा कन्फ्यूजन ना रहे कि किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, चाहे वो बिटमैक्स हो या ऑल्ट कॉइंस हो। बस आपको जो मैं रूल्स बता रहा हूँ उस रूल्स को आपको फॉलो करना है, अगर आप उस रूल्स के दायरे से बाहर जाके ट्रेडिंग करते हैं फिर उसमें आपको अगर कुछ नुकसान होता है तो वो उसकी लायबिलिटी मेरी नहीं है। और फाइनली ये कहूँगा कि इंडिकेटर जो है डेट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंट एल्गोरिदम्स जो इसके अंदर हमने सेट किए गए हैं, तो उसके ऊपर से
एक अच्छे खासे मार्केट के अंदर अच्छी खासी वो एजम्पशंस निकाल के देता है कि क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट में एक सडन फॉल आता है, बड़ा सा डंप आता है या पंप आता है, तो वो किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है। तो उस समय इंडिकेटर भी आपको सही नहीं बता पाएगा कि कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब मार्केट बहुत बड़ा उतार चढ़ाव होता है, तो आप इंडिकेटर को मत यूज़ करना। जब आप एकदम नीचे की तरफ आते हैं, बॉटम पे आता है, तब आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो उसके अंदर इंडिकेटर में दिया रहता है, अगर वहाँ पे हिट होता है तो ही आप उसके अंदर एक लॉन्ग पोजीशन कर सकते हैं, या रेजिस्टेंस एकदम टॉप पे हिट करके थोड़ा सा नीचे आता है तब आप वहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना वक्त गंवाएं चलिए स्टार्ट करते हैं जेड स्पेशल वर्जन 2 के बारे में जानना, किस तरह से इसको यूज़ करना है और किस तरह से इसको यूज़ करके हम अच्छी खासी ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू चार्ट जब आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से पूरा दिखेगा, ओके। अब सबसे पहला काम क्या करना है, इसके अंदर इंडिकेटर को ऐड करना है। इंडिकेटर को ऐड करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, जब मेरे यहाँ से आपको एक्सेस मिल जाता है तब आप यहाँ पर जा सकते हैं, इंडिकेटर्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन पे ध्यान देना है, फेवरेट्स में देना है या इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट्स पे देना है। आप इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट्स पे क्लिक कीजिए, फिर मेरे यहाँ से जो स्क्रिप्ट जो रहेगा उसके यहाँ से जैसे आपको एक्सेस मिल जाएगी तो यहाँ पे आपको वो इंडिकेटर का नाम होगा और उसके साइड में ग्रीन कलर का लॉक होगा। अगर रेड कलर का लॉक है इसका मतलब एक्सेस अभी तक अप्रूव नहीं किया गया है, जब अप्रूव हो जाएगा तो ग्रीन कलर का होगा, फिर आपको इस इंडिकेटर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रेडिंग व्यू के अंदर सबसे पहले छोटी मोटी सेटिंग्स करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आइकन दिख रहा है, गियर आइकन दिख रहा है सेटिंग्स का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और स्टार्टिंग से देख लीजिए, सिंबल से देख लीजिए, जो जो सेटिंग मैंने की है वो सारी सेटिंग उसी हिसाब से आपको करनी है, ठीक है। जो जो मैंने टिक किया है वो आप चेक कर लीजिए, उसी हिसाब से आप सेटिंग करना। सेकेंड स्टेटस लाइन है, उसमें भी आप देख लीजिए क्या क्या सेटिंग्स है, स्केल्स है, सिंबल, नेम लेबल, सिंबल लास्ट वैल्यू लेबल, इंडिकेटर लेबल, ये सारी चीज़ें आप इस हिसाब से सेट कर लेना। अपीयरेंस है, जो मैंने रखा है बैकग्राउंड वाइट में रखा है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं पूरा। और बाकी ट्रेडिंग है, इसमें मैंने सब चीज़ को अनचेक करके रखा है। इवेंट्स है, इसको भी यहाँ से आप अनचेक कर दीजिए इस हिसाब से, ठीक है। ये जब आप एक सेटिंग कर लेते हैं उसके बाद क्या कीजिए, इस सेटिंग को आप सेव कर लो एज ए टेम्पलेट, यानी कि अगर नेक्स्ट टाइम आप चार्ट ओपन करते हैं और वापस से आप यहाँ से सिर्फ टेम्पलेट आपको सिलेक्ट करना रहेगा, तो क्या रहेगा कि आपको ये सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ऑटोमेटिकली सारी सेटिंग्स ले लेगा। तो मैं इसको यहाँ से आपको क्या करना है, सेव करना है। सेव करके आप कुछ भी नाम दे दीजिए और इसको यहाँ पर सेव कर दीजिए, तो ये जो टेम्पलेट है इस सेटिंग के साथ सेट हो गया है। अगर आपको डिलीट करना है तो आप यहां से उसको डिलीट भी कर सकते हैं पुराना, ठीक है जो है, और इसको ओके कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके एक ट्रेडिंग व्यू इंटरफेस जो है उसकी एक बेसिक सेटिंग्स हो गई, लुक एंड फील की सेटिंग हो गई। मतलब कि लुक एंड फील बढ़िया सा रखिए ताकि आपको भी काम करने मज़ा आए, जो सेटिंग्स जो अपियरेंस आपको सही लगता है वही आप सेट कीजिए, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हमने इंडिकेटर डाल दिया है जेड स्पेशल लेटेस्ट वर्जन, आप जब डालेंगे आपको चार्ट के ऊपर इस तरह से सारा चीज़ दिखेगा, ठीक है। अब मैं एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताता हूँ किसका क्या मतलब है। सबसे पहले ऊपर की ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं डॉटेड लाइन, ये है रेजिस्टेंस, मतलब अभी जो मार्केट में टॉप का जो मेन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है कौन सा है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। नीचे जो है जो डार्क पिंक में डॉटेड लाइन्स है, डेट इज़ कॉल्ड द सपोर्ट। तो अभी सपोर्ट हमारा कौन सा है, 7944 का सपोर्ट है, अगर वो तोड़ देगा तो काफ़ी तेज़ी से मार्केट नीचे जाएगा। इसके बाद दूसरी चीज़ जो चार्ट के ऊपर आपको नज़र रखना है वो आप देख सकते हैं, ये ग्रे कलर की लाइन है, ब्लू कलर की लाइन है और पर्पल कलर की लाइन है। ये ग्रे कलर की जो लाइन है डैट इज़ 200 मूविंग एवरेज, ब्लू कलर की लाइन है डैट इज़ 20 मूविंग एवरेज, और पर्पल कलर की जो लाइन है डैट इज़ 50 मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे सिंपल सी चीज़ ये है कि 50 वाला जब 200 को क्रॉस कर देगा, ठीक है, तो मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा, और जब 200 वाला 50 को क्रॉस कर देगा ऊपर की तरफ रहेगा तो मार्केट नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। ये जो मार्केट में यहाँ पे फॉल आया था उससे पहले क्या था, हम पॉजिटिव रेंज में चल रहे थे, जो तीनों ईएमए थे 20 वाला सबसे ऊपर था, 50 था, फिर 200 था, ये सीक्वेंस सही होती है। लेकिन जब फॉल आया तो उसके बाद से क्या हो गया, सडनली 200 वाला सबसे ऊपर हो गया, उसके बाद 50 आ गया, उसके बाद 20 आ गया। तो जब ये सीक्वेंस आती है इसका मतलब ये रहता है कि मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरने वाला है, ओके। और इसके साथ और भी इंडिकेटर जो सामने दिख रहे हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि जब भी चार्ट्स के अंदर आप
इस तरह से मूवमेंट देखते हैं, क्रॉसओवर देखते हैं। यानी कि अगर सपोज कीजिए 20 वाला मूविंग एवरेज अगर पर्पल को क्रॉस कर रहा है जो 50 है तो मार्केट ऊपर जाएगा, 50 200 को क्रॉस कर रहा है तो मार्केट काफ़ी अच्छा ऊपर जाएगा, अगर 200 सबसे ऊपर की तरफ है तो मार्केट में सेल प्रेशर बना हुआ है, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। तो ये पार्ट आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीडी सिक्वेंशियल का। टीडी सिक्वेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीडी सिक्वेंशियल एग्जैक्टली क्या होता है? ये एक नंबर ऑफ सीक्वेंस होता है, 1 से लेके 9 तक होता है। जब ये सीक्वेंस परफेक्टली चलता है, 1 से लेके 9 तक कंप्लीट होता है, तो उसके बाद क्या रहता है, मार्केट में एक रिवर्सल आने के 80-90% चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और कभी कभी 9th कैंडल के बाद रिवर्सल नहीं आता है। वो इसलिए नहीं आता है कि 9th कैंडल जो होता है उसकी जो क्लोजिंग और जो ओपनिंग होती है एज़ पर द ट्रेंड ऊपर या नीचे है, वो 6th और 7th कैंडल जो रहता है उसके हिसाब से नहीं रहती है, तो इस वजह से वो इनवैलिड हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ और होती है कि जब टीडी सिक्वेंशियल ऊपर की तरफ है, 9th कैंडल कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद हो सकता है कि 1 या 2 कैंडल जो होता है वो आपको एक न्यूट्रल कैंडल्स देखेंगे या ऊपर की तरफ कैंडल देखेंगे, उसके बाद वापस से एक रिवर्सल कैंडल स्टार्ट होता है। ओके, तो हमेशा से ये ध्यान रखिए कि अगर आपने एंट्री लिया है कहीं पे और वहाँ पे कैंडल नंबर 1 दिख रहा है, ट्रेंड ऊपर की तरफ है, तो ये सोचिए कि आप 2, 3, 4, 5 एटलीस्ट 9th कैंडल तक का वेट करिए ताकि मार्केट वहाँ तक जाएगा। और जब 9th कैंडल आता है या मेरे हिसाब से 7th कैंडल या 8th कैंडल के आसपास जब मार्केट ऊपर आता है तो वहाँ से आप उसको उसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए। और उसी तरह से अगर मार्केट नीचे की तरफ है और नीचे 9th कैंडल वगैरह आता है तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशन वहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। हमेशा से मेरा यही कहना रहता है कि कभी भी ज़्यादा ग्रीडी नहीं हो मार्केट के अंदर कि नहीं अभी और इंतज़ार करते और अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा, ठीक है? तो ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में क्या होता है, बड़ा नुकसान हो जाता है। ओके, तो ज़्यादा नहीं, कम में ही थोड़ा बहुत खुश रहना सीखना पड़ेगा इस मार्केट के अंदर। तो इस चार्ट्स को आप कितना भी देख लीजिए, पीछे टीडी सिक्वेंशियल के 1 से लेकर 9 तक जब आता है तो वहाँ से एक रिवर्सल ज़रूर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट जो ऊपर की तरफ चल रहा था, 6th, 7th, 8th, 9th कैंडल यहाँ पे आया, उसके बाद से एक एक्स्ट्रा न्यूट्रल कैंडल ऊपर की तरफ गया, फिर बाद में नीचे आया। ओके, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 9th कैंडल नीचे की तरफ आया, 9th कैंडल जब था 6th और 7th के हिसाब से क्लोज नहीं हो पाया, और उसके बाद यहाँ पे नीचे एक रेड डॉटेड लाइन की जो सपोर्ट लाइन थी उसको ब्रेक कर दिया। जब सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो तेज़ी से मार्केट नीचे की तरफ आ गया, और उसके बाद से जैसे ही नीचे उसने हिट किया वापस से बाउंस बैक ऊपर की तरफ हुआ, और यहाँ से हमें बाय का सिग्नल मिला। 9th कैंडल के बाद जब बाय का एक आपको सिग्नल मिलता है और बड़ी वीक होती है वहाँ पे, तो समझ जाइए कि अच्छी पोजिशन है यहाँ पे एंटर करने के लिए। अगर बड़ी वीक नहीं है और आपको यहाँ पे बाय का सिग्नल दिखता है तो थोड़ा सा 1-2 कैंडल का इंतज़ार कर लीजिए, उसके बाद आप लॉन्ग पोजिशन यहाँ पे खड़ी करो। ओके, तो यहाँ पे बहुत बड़ी वीक आई थी, मतलब नीचे आया लेकिन उसी समय बाइंग काफ़ी ज़्यादा हुई, ठीक है? तो इसका ये इंडिकेशन रहता है कि यहाँ पे अच्छा खासा आपको लॉन्ग पोजीशन मिल रही है, लेके रख लो। नेक्स्ट क्या रहता है कि कभी कभी क्या रहता है कि आपने सपोज़ कीजिए कि लॉन्ग पोजीशन आपने यहाँ पे खड़ी कर दी, ठीक है, बाय को आपको यहाँ पे सिग्नल मिला, आपने बाय की एंट्री ले ली, उसके बाद क्या रहता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन वापस से मार्केट नीचे आ गया। तो जब मार्केट नीचे आता है तो उस समय टेंशन लेने की चीज़ नहीं है कि भाई मैंने तो यहाँ पे एंट्री लिया था, 50 पॉइंट और नीचे हो गया तो ये तो गड़बड़ हो गई। कभी कभी आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ता है क्योंकि 25-30 पॉइंट और नीचे जाके वापस से वो रिवर्सल ऊपर आता है। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि बाय का सिग्नल मिला है और बाय के सिग्नल के साथ यहाँ पे स्टार मिला है। जब सिग्नल में एक स्टार मिलता है, रेड कलर का सिग्नल का स्टार मिलता है, तो वहाँ से हमें बाय करना अच्छा बनता है। और ऊपर की तरफ जब हमें सेल मिलता है, सेल के साथ अगर ग्रीन कलर का स्टार मिलता है आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो उसका मतलब ये रहता है कि सेलिंग अच्छी कर सकते हैं, यहाँ पे मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है? तो ये सारी की पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर में जो फोकस करना है वो रेड बॉल्स हैं और ग्रीन बॉल्स हैं, ठीक है? अब जैसे कि सपोज़ कीजिए यहाँ पर हमें सेल का एक इंडिकेशन मिला है, शॉर्ट करना है, हमने यहाँ से शॉर्ट किया है। ओके, शॉर्ट यहाँ पर कर रहे हैं, हमें यहाँ पे बाय का एक सिग्नल मिला है, लेकिन अगर हम ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे हमें रेड कलर के बॉल्स अभी भी दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्रेशर बना है, हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है, ठीक है? मैं मतलब एक एक चीज़ करके आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, ठीक है? इससे पहले मैंने आपको बताया कि अगर आप बाय कर लेते हैं और वापस से बाय का अगर सिग्नल आता है तो क्या करना चाहिए। अब एक एक करके मैं बाकी की जो साइन है वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ कि रेड बॉल्स जो दिख रहे हैं और बाय का दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अभी बाय नहीं करना है क्योंकि ऊपर हमें सेल का प्रेशर है। तो जब रेड वाले बॉल्स और कैंडल जब क्लोज आ जाते हैं
उसका मतलब ये होता है कि कैंडल फिर रेड वाले बॉल्स को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, तब हमें वहाँ बाय करना है। ओके, तो वो सही पोजीशन होती है। उसी तरह से यहाँ से आप देख सकते हैं, जब हमने बाय की पोजीशन यहाँ पे ली है, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि बाय की जो कैंडल सिग्नल है वो एक दो कैंडल के बाद आती है। ये इसलिए आती है क्योंकि हमने कन्फर्मेशन रखा है, क्योंकि मार्केट का इतना मैनिपुलेट रहता है, कुछ भरोसा नहीं रहता है कि कब ऊपर चले नहीं चले जाए। तो एक दो कैंडल वेट करने से क्या रहता है कि हमें थोड़ा कन्फर्मेशन मिल जाता है। कोई बात नहीं कि आप जब यहाँ पहुँचे तब आपको यहाँ पे बाय का सिग्नल मिल रहा है, तो उससे क्या हुआ, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आपने एंट्री ली 8181 पे लिया है, फिर भी आप यहाँ से अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे नाइन्थ कैंडल आया है। नाइन्थ कैंडल के समय जिसको लगता है कि ठीक है नाइन्थ कैंडल आया, निकलना तो निकल सकते हैं, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट है। लेकिन अगर आप रुके हुए हैं, आप वेट करते हैं कि जब तक मार्केट में सही सेल सिग्नल नहीं आता मैं रुका रहता हूँ, तो वो भी अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 50 वाला है और ब्लू वाला जो 20 है वो धीरे धीरे क्लोज आ रहे हैं, यानी कि एक इंडिकेशन ये मिल रहा है कि प्रेशर बाइंग का अच्छा खासा है। क्योंकि ब्लू वाला किसी भी समय पर्पल वाले को क्रॉस कर देगा तो मार्केट ऊपर जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन वाले जो बॉल्स हैं अब भी मोमेंटम के साथ बने हुए हैं, यानी कि थोड़ा बहुत रेड कैंडल्स आने दीजिए, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अभी भी प्रेशर ऊपर की तरफ है। तो आप बने रहेंगे इसके साथ तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। फिर हमें यहाँ पे सेल का सिग्नल मिला है तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो भी आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 81 से 80 81 85 से कैलकुलेट करेंगे, आपने यहाँ पे एग्जिट किया है 83 31 पे किया है। अगर दो कैंडल रेड भी हमें मिलता है तो भी 8300 पे भी आप अगर एग्जिट करते हैं तो भी आपको 150 या 200 पॉइंट का काफ़ी अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट मिलता है। ओके, फिर आप क्या कर सकते हैं, सेल का सिग्नल मिला दो कैंडल के बाद, यहाँ दो कैंडल के बाद आपको सेल का सिग्नल मिला, यानी कि आपको यहाँ मिल गया, यहाँ मिला यानी कि 80 to 90 पे आपने शॉर्ट की पोजीशन ली। फिर चौथा पांचवा सातवां कैंडल ज़्यादा नीचे बढ़ा, विक गया तो आपने वहाँ पे एग्जिट कर लिया, तो वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा 50 60 पॉइंट्स का अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। फिर हमें बाय का सिग्नल मिला यानी कि हमने यहाँ पर एंट्री ली। ओके, मैं आपको हमेशा थोड़ा थोड़ा कम में बता रहा हूँ हर चीज़ें, प्रॉफिट तो अच्छा खासा है लेकिन मैं आपको हर चीज़ें प्रॉफिट रिटर्न ऑन इक्विटी सारी चीज़ें मैं कम में बताता हूँ। ओके, तो अगर हमें सिग्नल यहाँ मिला, हमने एंट्री यहाँ पे ली यानी कि 82 49 पे हमने एंट्री ली, अच्छा खासा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ब्लू वाला है वो पर्पल को भी ओवरलैप कर रहा है, बहुत बड़ी पॉजिटिव साइन है, यानी कि मार्केट काफ़ी अच्छा ऊपर जाएगा। उसके साथ यहाँ पे कैंडल 1 2 3 4 5 नाइन्थ कैंडल तक आया है, हमने यहाँ पे एग्जिट कर लिया नाइन्थ कैंडल के पास। ठीक है, मैंने सेल का वेट नहीं किया क्योंकि मुझे लगा है कि यहाँ पे प्रॉफिट मुझे काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है तो मैं यहाँ पे निकल जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे निकल गया नाइन्थ कैंडल के बाद। और आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर सेल का सिग्नल आया तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। ओके, नेक्स्ट चीज़ आप राइट साइड जो स्केल है यहाँ पे देखेंगे, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, मतलब कि जब प्राइस ये जो रेड बॉल है उससे नीचे की तरफ है तो उसका मतलब है ट्रेंड नीचे की तरफ है थोड़ा सा। ठीक है, जब प्राइस इसके ऊपर होगा तब होगा हमारा अप ट्रेंड हो जाएगा। ओके, पर इस पर इतना कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस एक चीज़ हमें यहाँ पे जो नोटिस करना है वो ये देखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देखना है। सपोज़ कीजिए हमारा प्राइस जो है यहाँ से ऊपर की तरफ आ रहा है, आप लेफ्ट साइड अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो पहले का एक जो सपोर्ट था वो एक रेजिस्टेंस है, यानी कि इस लाइन के आसपास हिट होकर वापस आ सकता है। तो आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो आपको प्राइस देखेगा 84 40 के आसपास है, तो आप उसके हिसाब से आप वहाँ से अपना एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछला सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उस पर भी ध्यान देना है, और जो लेटेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है कि बड़े में बड़ा जो रेजिस्टेंस है 8950 का है और नीचे में जो नीचे सपोर्ट है डेट इज 7944 का है। अब नेक्स्ट बात आती है कि कौन सा टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट रहता है। देखिए मेरे हिसाब से जो टाइम सबसे बेस्ट मुझे लगता है वो 10 मिनट का रहता है, लेकिन कभी कभी जो मार्केट की मूवमेंट रहती है, जैसे आज का दिन रहा तो 10 मिनट का सही लगा, कल के दिन जो था मुझे 15 मिनट का सही दिख रहा था, और सुबह अर्ली आवर्स जो थे जब मार्केट काफ़ी तेज़ी से गिरा था तो मुझे 4 आवर्स का चार्ट सही दिख रहा था। तो आपको एक एक टाइम फ्रेम पे चेक करना रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अभी जो है 10 मिनट के इस पे सब बढ़िया दिख रहा है, अगर मैं अभी 15 मिनट पे क्लिक करता हूँ तो 15 मिनट में भी अगर देखा जाए तो भी यहाँ पे सही दिख रहा है, नाइन्थ कैंडल दिख रहा है, उसके बाद सेल आ रहा है और फिर वापस से नाइन्थ कैंडल के बाद नीचे जो एक दो कैंडल न्यूट्रल गए हैं उसके बाद बाय मिल रहा है, तो यहाँ पे भी सीक्वेंस सही बैठ रहा है।
तो ये भी सही है। और आप जब एंट्री लेते हैं उससे पहले एक बार 4 आवर्स का ट्रेंड भी देख लेना, सही बनता है। जैसे कि 4 आवर्स में आप देखते हैं कि कैंडल कौन सा चल रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडल अभी इरेगुलर है, कुछ इतना खास कैंडल नहीं है। और 4 आवर्स के अंदर अगर हम चेक करते हैं तो ब्लू वाला जो है डेट इज़ 20 मूविंग एवरेज, वो ऊपर की तरफ है। तो 4 आवर्स के हिसाब से भी जो चीज़ें हैं यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब कि कोई ज़्यादा डिप्रेशन वाली चीज़ नहीं या कुछ बेरिश मोड नहीं है। 20 ऊपर है, 50 है, उसके बाद से आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं 200 है, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है। और दूसरी चीज़ एक और हमें नोटिस करनी है 4 वाले में, कि यहाँ पे हायर लोज बन रहे हैं, मतलब कि पहला एक हायर लो यहाँ बना, उसके बाद यहाँ बना, उसके बाद यहाँ बना, और उसके बाद ऊपर की तरफ बना। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है। हमने 1000 का फॉल देखा है लेकिन फिर भी 4 आवर्स के अंदर हायर लोज बन रहे हैं, तो वो अच्छी चीज़ है, ओके। लेकिन आप जब ट्रेड करेंगे तो आप 10 मिनट 15 मिनट का जो चार्ट है उसको पकड़ के करना तो अच्छा रहेगा। अगर नहीं होता है, 5 मिनट के चार्ट में आपको बढ़िया दिखता है तो आप उसके अंदर से देख सकते हैं। अब आगे मैं आपको और बताऊं, स्टॉप लॉस के बारे में बताऊं, लिक्विडेशंस के बारे में बताऊं कि क्या क्या लेवरेज वगैरह रखना चाहिए। इससे पहले मैं आपको एक और इंडिकेटर यहाँ पे ऐड करके बताता हूँ, जो है बिटमैक्स स्पेशल इंडिकेटर है। वो इंडिकेटर मैं आपको इसके साथ दे रहा हूँ, ठीक है, फ्री में दे रहा हूँ। इसलिए दे रहा हूँ कि वो आपको और ज़्यादा मदद करेगी। इन बिटवीन क्या हो सकता है, सपोज़ कीजिए यहाँ से बाय है और यहाँ से सेल है, तो इन बिटवीन क्या हमें कहीं चौकन्ना रहना है, क्या बाय या सेल निकलना है हमें यहाँ पे, वो हमें इसमें बता देगा, ठीक है। तो वो आप एक सोच सकते हैं कि एक सपोर्टिंग एक्टर है, ठीक है, मतलब कि जेड स्पेशल मेन है और ये उसके अंदर एक सपोर्टिंग एक्टर है जो बीच बीच में बताता रहता है कि हाँ यहाँ पे बाय हो सकता है, सेल हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो लोग बहुत फास्ट स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, 1 मिनट 2 मिनट जैसे के अंदर कि एंट्री लो फिर 2 मिनट के बाद एग्जिट करो, उनके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो उसके लिए भी सेम चीज़ है। आपको ऐड कैसे करना है, आपको इंडिकेटर में जाना है, इनवाइट ओनली पे जाना है, फिर आपको वहाँ पे दिखेगा ये बिटमैक्स स्पेशल दिखेगा। बिटमैक्स स्पेशल को आप जैसे ऐड करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ, तो वो आपको स्क्रीन पे इस तरह से दिखेंगे, ठीक है। अब ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, इसके अंदर मदद करेगा। जैसे मैंने कहा ना कि जब हम रोड के पास पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे एक टॉर्चमैन मिलेगा हमें, यानी कि वो पूरे रास्ते में लाइट दिखाएगा कि भाई यहाँ यहाँ खड्डा है, यहाँ से आप बचते हुए निकल जाओ। तो ये एक टॉर्चमैन का काम करता है यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपको। बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है यहाँ पे। जेड स्पेशल ने यहाँ पे बाय दिया, एक रेड स्टार बना यहाँ पे, मतलब कि आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। फिर भी आपने सोचा कि चलो एक कैंडल और वेट करते हैं, क्या पता यहाँ से मार्केट नीचे चले जाए। तो आपने एक कैंडल वेट किया। एक कैंडल वेट करने के बाद बिटमैक्स स्पेशल ने यहाँ पे आपको पर्पल कलर का एक बाय सिग्नल दे दिया कि ठीक है, मेरे यहाँ से भी भाई चीज़ें कन्फर्म है, आप यहाँ से बाय कर सकते हो। उसके साथ बिटमैक्स स्पेशल में यहाँ पे रेड वाली जो रैली थी, जो रेड वाली वेव्स थी, वो भी ख़त्म हो चुकी। यहाँ से ग्रीन वाली वेव्स वो भी स्टार्ट हो गई है। तो 3 चीज़ पॉजिटिव हैं, वो बताती हैं कि भाई यहाँ से आप बाय कर सकते हो, तो वो अच्छा इंडिकेशन है यहाँ पे, ओके। तो ये यहाँ पे मदद करती है। और आपको लॉन्ग पोजीशन बनाए रखनी है तब तक जब तक कि ये ग्रीन रैली जो है चलती जा रही है ऊपर। जब कैंडल नंबर 9 आता है तो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ से एग्जिट कर लेना है। 9th के बाद आप देख सकते हैं ग्रीन जो रैली है वो धीरे धीरे कम हो गई, यहाँ पर ख़त्म हो गई, उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेल आ गया। अब जो लोग शॉर्ट करने की वेट कर रहे थे वो सोचेंगे ठीक है सेल आ गया, थोड़ा सा और वेट करते हैं। एक कैंडल आपने और वेट किया तो यहाँ पे बिटमैक्स स्पेशल ने बोल दिया कि भाई आप यहाँ से सेल कर सकते हो, ये जो है येलो कलर का सेल सिग्नल मिल गया। उसके साथ यहाँ से रेड कलर की रैली भी स्टार्ट हो गई, मतलब कि ठीक है 3 चीज़ें बोल रहे हैं कि यहाँ से शॉर्ट कर लो, अच्छा खासा जाएगा। आपने शॉर्ट कर लिया, उसके बाद क्या हुआ, ग्रीन कलर का एक बड़ा सा यहाँ पे कैंडल आ गया। फिर लोग घबरा गए, अरे यार शॉर्ट पोजिशन यहाँ पे ख़राब हो जाएगी, ये तो गई। लेकिन अगर आप डटे रहे, इंडिकेटर्स को पकड़ के चला कि भाई जब तक यहाँ से बाय का सिग्नल नहीं मिलता है तब तक मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन क्लोज नहीं करूँगा, आपने इंतज़ार किया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता है, वापस ऊपर गया, यहाँ पे ग्रीन कलर का एक स्टार मिला। ग्रीन कलर का स्टार का मतलब क्या हो गया कि सेलिंग, रेड कलर का स्टार का मतलब क्या हुआ कि बाइंग करो, तो यहाँ से सेलिंग होगा। जब यहाँ से सेल धीरे धीरे हुआ तो साथ में हमें रेड बॉल्स भी यहाँ पे स्टार्ट हो गए, यानी कि
इस कैंडल तक हमें अच्छा खासा कन्फर्मेशन मिल गया, पांच छह चीज़ों को मिला के, कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरने वाला है और यहाँ से आप प्राइस देख सकें नीचे नीचे की तरफ आ गया है। ओके, अब नीचे आ गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रेड स्टार है, यानी कि बाइंग की एक इंडिकेशन है कि यहाँ से बाइंग कर सकते हैं इस पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ से जो है काफ़ी अच्छा वापस ऊपर की तरफ पुश हुआ है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी पिन बनी है, लेकिन अभी भी यहाँ पे रेड कलर की जो वेव्स तैयार है, ग्रीन कलर का नहीं आया है। उसके साथ जेड स्पेशल का भी बाय सिग्नल नहीं आया है, बिटमैक्स स्पेशल का भी बाय सिग्नल नहीं आया है, तो आपको यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन नहीं करनी है, आपको इंतज़ार करना है कब क्या होता है। ठीक है, तो वापस से कहूँगा कि इस वीडियो को बार बार देखना अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ ए टू जेड चीज़ें आपको बारीकियों में बता दूँ इसके अंदर, ताकि आप इजीली अच्छे से ट्रेड कर सकें। और बिलीव मी, आप थोड़ा अच्छे खासा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा खासा इसमें प्रैक्टिस हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करते हैं। सपोज़ कीजिए आपने एंट्री यहाँ ली है, आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है? ठीक है, स्टॉप लॉस रखना है आपको ये जो सपोर्ट लाइन है इससे नीचे का रखना है। ओके, सिंपल सी चीज़ है। अब एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है लेवरेज का। मैं हमेशा से कहता हूँ 5x लेवरेज से ज़्यादा बिल्कुल मत करो। बिटमैक्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो कमाते हैं वो 1x, 2x या 3x वाले कमाते हैं, उसके बाद 5x वाले कमाते हैं। कभी कभी ठीक है आपने 25x की आपको प्रॉफिट मिल गया, लेकिन जब मार्केट में सडन डंप आता है या सडन पंप आता है तो बहुत सारे शॉर्ट लिक्विडेट होते हैं, लॉन्ग्स लिक्विडेट होते हैं, जो होते हैं 50x वाले, 25x वाले, और 1000 पॉइंट का जो डंप होता है, यानी कि 8.5 से 10% की जब माइनस में करेक्शन आती है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ आती है, तो वहाँ पे 10x वाले भी लिक्विडेट हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो डंप आया था 8.5% से 10% के आसपास डंप आया था, तो वहाँ पे 10x वालों की जो लिक्विडेशन थी वो 7900 के आसपास थी, जो वहाँ पे वो लिक्विडेट हो गए। जो लोग 5x थे वो लोग बचे हुए थे, और मैंने कहा था, तुरंत वहाँ मैसेज किया था कि पोजीशन होल्ड करके रखना, कि हम लोग वापस से जो सपोर्ट है हमारा 8400 के आसपास, वहाँ तक हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो मार्केट जो है अभी वापस से 8400 के आसपास आ गया था। तो इन शॉर्ट, अगर आप लेवरेज बहुत ज़्यादा रखते हैं तो स्टॉप लॉस बहुत करीब रखो उसका। ओके, और अगर आप लेवरेज बहुत छोटी रखते हैं तो स्टॉप लॉस बहुत दूर रखो, क्योंकि आपकी लिक्विडेशन बहुत दूर है, आपको कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है। क्योंकि आपने देखा 500 पॉइंट भी नीचे आता है तो ऑफकोर्स वो ऊपर की तरफ रिकवर ले लेता है 4-5 घंटों के अंदर। दूसरी चीज़, कभी भी जो लॉन्ग है रेजिस्टेंस पे मत करो, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से कभी भी लॉन्ग मत करो। लॉन्ग जो करना है हमेशा सपोर्ट के पास से करो। ठीक है, शॉर्ट जो करना है वो रेजिस्टेंस के वहाँ से करो, ये हमेशा ध्यान रखना। तो दोस्तों, आई होप इसके अंदर मैंने आपको जेड स्पेशल वर्जन 2 के बारे में पूरा डिटेल में समझा दिया है कैसे करना है। इसके साथ ही मैंने बिटमैक्स स्पेशल जो है वो भी इसके अंदर आपको पूरा समझा दिया है। और अगर अभी आपने अगर शॉर्ट किया है तो हम लोग यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन होल्ड करके रखेंगे, और जब कैंडल 9 आ जाएगा तो हम अपनी शॉर्ट पोजीशन वहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, उस भले हमें बाय सिग्नल मिले या ना मिले। ठीक है, क्योंकि 9 के बाद वापस से ऊपर पुल बैक आता है, तो स्कैल्पिंग में छोटा छोटा भी प्रॉफिट आप करेंगे तो आपको अच्छा खासा इसमें मुनाफा रहेगा। ओके, अगर हमने यहाँ पे भी शॉर्ट पोजीशन ली होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिग्नल यहाँ मिला लेकिन हमने लिया यहाँ पे 8432 पे भी लिया, और अगर हमारा 7th कैंडल जो है वो लगभग यहाँ पे भी आता है 83.3 के आसपास भी आता है, तो भी 140 पॉइंट का अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट है हमें। नेक्स्ट, इसको आप फॉरेक्स के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, यूएसडी और येन का बताता हूँ क्या रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसको फॉरेक्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉरेक्स के अंदर और बढ़िया रिजल्ट देता है, क्रिप्टो से भी बेहतर ये फॉरेक्स के अंदर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हम HDFC बैंक लेते हैं, अगर आप NSE BSE ये सब पे करते हैं निफ्टी वगैरह में, तो भी आपको अच्छा खासा मिलेगा रिजल्ट। अगर हम HDFC बैंक पे भी यहाँ पे जाते हैं तो हमें यहाँ पे चार्ट इसी हिसाब से दिख रहा है। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा 15 मिनट में करता हूँ, क्या 15 मिनट में मुझे अच्छा दिख रहा है ये? तो हाँ, 15 मिनट में मुझे जो बाय और सेल जेड स्पेशल जो है उसकी रेंज काफ़ी लंबी दिख रही है, तो वो मुझे बढ़िया लग रहा है। तो मैं HDFC बैंक को 15 मिनट पे देखूंगा यहाँ पे। ओके, और इस बाय और सेल के बीच में, ठीक है, मुझे बीच में यहाँ पे एक रेड कलर का सेल का इंडिकेशन भी मिला, बिटमैक्स स्पेशल की तरफ से भी मिला और जेड स्पेशल की तरफ से भी मिला, कि यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा, आपको सेल करना है तो कर लो। सिग्नल हमें यहाँ मिला
और सपोज़ कीजिए हम इस कैंडल पे थे, तो यहाँ पे भी आप अगर एग्जिट करते हैं तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता था, और उसके बाद में यहाँ से वापस से बाउंस बैक ले लिया, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिला है अच्छा खासा, तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स के अंदर भी आप इसको अच्छा खासा यूज़ कर सकते हैं, अच्छा खासा आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगा। तो इस हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग के अंदर आपको पेशेंस बहुत दिखाना पड़ेगा, और प्रैक्टिस कीजिए पेन और पेपर लेके, तो आपको धीरे धीरे और इसमें परफेक्शन अच्छी मिलेगी। बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा स्क्रीनशॉट्स नहीं भेजता क्योंकि बहुत लोगों को सही नहीं लगता है कि भाई बार बार ये स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। रिव्यूज़ बहुत आए हैं, बहुत सारे लोगों के अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आए हैं, ठीक है, कि हमें इतना इतना प्रॉफिट हुआ, तो मैं कुछ उसमें से आप लोग को शेयर कर देता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जिनका हाँ स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाता है क्योंकि वो स्टॉप लॉस सही नहीं लगाते हैं। कुछ लोग हैं जिनकी लिक्विडेशन हिट हो गई थी, क्यों हिट हो गई थी, बिकॉज उन्होंने 25x 50x के ऊपर कर रहे हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज वगैरह है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिया हक ZIAHAQ। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं zia@openforprofit.com। और इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आएंगे, इंडिकेटर से रिलेटेड आएंगे, बाइनेंस API से रिलेटेड आएंगे, जो आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगा, जो कहीं ना कहीं हमारी ट्रेडिंग को काफ़ी अच्छा करेगा, और ओवरऑल बात करें तो हमारी प्रॉफिट को भी वो बढ़ाएगा। बाकायदा हमें पेशेंस रखना है, रूल्स के हिसाब से चलना है, रूल्स के बाहर नहीं चलना है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।